हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। 6 o'clock हुए हैं। आज मैंने सोचा आप लोगों के साथ अपना सारे दिन का रूटीन शेयर करते हैं। तो टाइम हो चुका है उठने का और अब मैं सारी खिड़की दरवाज़े खोलूँगी, सफाई शुरू करूँगी और उसके बाद ब्रूमिंग और मॉपिंग करके मैं प्लांट्स को पानी दूँगी एंड देन खुद नहाऊँगी, पूजा करूँगी, फ्रेशन अप होके फिर मैं टी बनाऊंगी, ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। फ्रेंड्स, झाड़ू लग चुकी है, अब मैं पोछा लगाने जा रही हूँ। तो इस तरीके से क्लीनिंग होती जा रही है। क्लीनिंग करने के बाद मेरी बेटी भी जग सकती है, तो मुझे फटाफट सब निपटाना होगा।
तो फ्रेंड्स क्लीनिंग हो चुकी है, ग्रूमिंग एंड मॉपिंग फर्स्टिंग मैं इवनिंग में करती हूँ और अब मैं नहा के पूजा करूँगी एंड देन लेट्स सी। बालों को टाई कर लेंगे नहाने से पहले अच्छे से। बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स, घर बहुत बड़ा है, झाड़ू पोछा करने में कार आ जाती है, लेकिन मैं खुद से ही करना प्रेफर करती हूँ, मैं कोई वेट नहीं करती। सो नाउ अब हम फ्रेशन अप होंगे और मैं अपना बेड नहीं सही कर पाई हूँ, डबल बेड जहाँ पे हम सब सोते हैं, क्योंकि मेरी बेटी अभी उस पर सो रही है, जब वो नहीं सो रही होती तो मैं ज़रूर आपको बेड ठीक करके दिखाती। ओके फ्रेंड्स मैं नहा चुकी हूँ, मेरा नहाना हो चुका है, तो अब जैसा कि मैं आप लोगों को बताती हूँ ऑलवेज़ कि मैं जो है फर्स्टली टोनर अप्लाई करती हूँ एंड देन मॉइस्चराइज़र अप्लाई करती हूँ, तो वो स्टेप हमें बिल्कुल नहीं भूलना है। टोनर मैं अप्लाई करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर हम ये नहाने के तुरंत बात करते हैं ना तो बहुत इफेक्टिव होता है, और आपने सोते टाइम एक बार फेस वॉश करने की बात करते हैं तो भी बहुत इफेक्टिव होता है। देखिए मैं अप्लाई कर लूँगी अच्छे से, ये काम आप नहाते ही अगर करेंगे ना तो आप ये स्टेप भी नहीं भूलेंगे, और इस समय ये इफेक्टिव बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि हमारे पोर्स बहुत अच्छे से ओपन होते हैं। जब तक ड्राई हो जाए अच्छे से, आज मेरा पॉसिबल हुआ तो मैंने शैम्पू किया है, मैं आपको हेयर स्पा का वीडियो शेयर करूँगी ज़रूर, जो कि बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ था। तो ये देखिए ड्राई हो चुका है, देन हम एज़ यूजुअल जो मैंने आप लोगों को बताया है, एलोवेरा फेशियल कर रखा था तो एलोवेरा की किट है सारी, क्लिनजर टोनर मॉइस्चराइज़र की, ये बहुत बेटर है। ये देखिए सो ये हो गया हमारा क्लिनजिंग टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, एंड लिप केयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है, पता नहीं कैसे मेरा लिप भी डैमेज हो गया काफ़ी। मैंने आपको बताया था कि आपको मसाज करके लगाना है, ओके सो वी आर डन विद दिस ऑल्सो। अब मैं पूजा करने जा रही हूँ, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड अभी भी सो रहे हैं, मैं लिए लेके आई हूँ पूजा के बर्तन, इन्हें मैं धोऊंगी, रात में मैं सारे बर्तन धो देती हूँ, पहले मैं इसको लगाऊंगी, प्लेटफॉर्म हमारा क्लीन होना चाहिए, देन हम पूजा के बर्तन धोएंगे। और ये देखिए मैंने मसूर की दाल भी कोके रखी थी क्योंकि मुझे मसूर की दाल के फरे बनाने हैं, मैं आप लोगों के साथ अगर मौका हुआ तो ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं ये सारे बर्तन लगा लेती हूँ एंड देन मुझे सबसे अच्छा और मेरा फेवरेट काम है मुझे पूजा के बर्तन धोना है। ओके बर्तनों को हमेशा अपने किचन में सजा के ही रखना चाहिए।
सो ये देखिए मैंने सारे बर्तन सेट कर दिए हैं इस तरह से, एंड देन अब हम पूजा के बर्तन साफ करेंगे। पूजा के बर्तन थोड़े ज़्यादा ही गंदे हो जाते हैं क्योंकि धुएं और तेल घी ये सब पड़ता है, तो इनको थोड़ा रगड़ के अगर हम रोज रोज धोएंगे तो बहुत ज़्यादा गंदे नहीं रहेंगे और बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। मैं आप लोगों के साथ टिप्स शेयर करूंगी कि किस चीज़ से पूजा के बर्तनों को बहुत अच्छे से साफ किया जा सकता है। जब भी कभी आप पूजा के बर्तन धोएं तो ऐसी जगह पर धोएं जहाँ पर जूठे बर्तन ना हो। और अगर आपके घर में सिंक जो किचन में सिंक होता है उसके सिवा धोने के लिए कोई और जगह नहीं है तो आप वहाँ पर पहले अपने जूठे बर्तन अच्छे से धो लें, फिर वो सिंक अच्छे से साफ कर लें एंड देन आप वहाँ पर बर्तन धोएं। फ्रेंड्स मैं हमारी पूजा स्टार्ट करने वाली हूँ। पूजा शुरू करने से पहले आसन बिछाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड देन मैं क्या करूँगी कि मैं ये जल को इस तरह किनारे रखूँगी और प्लेट को ड्राई होने के लिए रखूँगी जब तक, तो उसको मैं ऐसे खड़ा करके रखूँगी क्योंकि तब तक इसका पानी निचुड़ेगा, उसके बाद हम पूजा कर पाएंगे, अदरवाइज़ दीपक नहीं चलेगा। सारे बर्तन को ऐसे कुछ सेकेंड्स के लिए सूखने के लिए रख दूँगी इस तरह से, और फिर मैं तब तक मैं सूर्य देव को जल दूँगी। फ्रेंड्स आइए सूर्यदेव को जल दे के आते हैं। चलिए सूर्यदेव को जल दे के आते हैं। तो सूर्य देव को भी जल देना हो गया, अब मैं भी पूछ चुका। देखिए ड्राई हो चुकी है बात, क्योंकि पूजा के पेट को एक अच्छे कपड़े से पोछना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मेरी पूजा में कोई भी झाले इस समय नहीं लगी हुई है, लाइटिंग नहीं लगी हुई है, रूम की लाइट से ही हम काम चला रहे हैं। पता नहीं कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी पूजा में बहुत लाइट्स वगैरह मान के लिए।
फ्रेंड्स, हमारी पूजा भी हो गई है नाउ, बहुत अच्छा अच्छा फील हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चाय पीते हैं। फर्स्ट फ्रेंड्स, मैं पहले तांबे की बॉटल में रात भर पानी रखती हूँ एंड मॉर्निंग में इसे खाली पेट पीती हूँ, 1 ग्लास। दिस इज़ वेरी यूजफुल, आप सबको भी पीना चाहिए। एंड नाउ मैं चाय चढ़ाने जा रही हूँ। मैंने ये वाली टी आप सबके साथ शेयर की हुई है, ब्लैक टी जिसे हम कहते हैं, लेकिन फिर से आज मैं आपको बताती हूँ, इसमें दूध नहीं देना है आपको, सिर्फ जैसे अगर आप 2 लोगों के लिए बना रहे हैं तो मैं थोड़ा ज़्यादा खौलाती हूँ, तो इसलिए मैं 2.5 कप पानी डालूँगी इसमें। फ्लेम ऑन कर देंगे। लेंगे, मुझे रेड लेबल ही पसंद है, 1/2 टीस्पून पड़ेगा इसमें। शुगर लेंगे हम इसमें 3 स्पून। थोड़ी सी ज़्यादा मीठी भी थी इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है। एंड ब्लैक पेपर पाउडर, पिंच ऑफ लेना है आपको बस इतना सा। पिंच ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर और अब लौंग और अदरक, दो से तीन लौंग ले लेंगे और इसको जब हम अदरक को कूटेंगे उसके साथ ही कूट लेंगे। जैसे ही चाय बनती है, चाय बना के मैं 2 कप, मेरी बेटी इस समय दूध लेगी, जैसे ही वो सो के उठेगी वो पहले दूध लेती है एंड देन ब्रश करती है, तो क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा छोटी है तो मैं उसे फोर्स भी नहीं करती और उठते ही मैं उसको पानी पे भी नहीं लेके जाती कि हाँ भाई तुम डायरेक्ट उसका मुँह धुला दो, ब्रश करा दो, क्योंकि अभी बहुत छोटी है, 3 साल कम्प्लीट किया है उसने। तो अभी हम, मैं और मेरे हस्बैंड सबसे पहले चाय पियेंगे, मैं इसी ब्लैक टी से जाके उनको पहले जगाती हूँ क्योंकि वो ही उनकी बेड टी होती है, फिर हम दोनों चाय पीते हैं, बेटी मेरी दूध पीती है और कभी कभी जब उसका मन होता है तो वो खुद ही बोलती है कि मुझे पहले ब्रश करना है फिर मैं कुछ खाऊँगी। तो अगर वो उठते ही कुछ नहीं मांगती है तो मैं उसको ब्रश करा देती हूँ, रूटीन फॉलो करा देती हूँ, या वो काफ़ी लेट उठती है तो मैं उसको रूटीन फॉलो करा देती हूँ, अदरवाइज़ मैं उसे पहले मिल्क देती हूँ एंड देन मैं उसका ब्रश, क्योंकि बच्चों का पर डे ब्रशेस ब्रश करना, क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट उसके लिए इतने छोटे बच्चों के लिए अभी टाइमिंग इतना ज़रूरी नहीं होता कि उठते ही ये कर लें वो कर लें, क्योंकि उनकी बॉडी का इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक होता है, तो हमें बहुत अर्ली सब कुछ नहीं करना चाहिए। और जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर मॉर्निंग का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, तो इस वजह से मैं उसे फोर्स नहीं करती। तो हमारी चाय जैसे ही बनती है मैं अपने हस्बैंड को जगाऊंगी, ये दोनों जग जाएंगे, वो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, मेरी मेरी थोड़ा सा खेलेगी ड्राइंग रूम में, देन मैं अपना बेडरूम सेट करती हूँ और उसके बाद मेरा ब्रेकफास्ट होता है, फिर टीवी देखते हैं हम लोग, टीवी देखते ब्रेकफास्ट करते हैं, गॉसिप्स करते हैं, ऐसे ही हमारा दिन शुरू होता है। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, मैं फर्स्ट टाइम रूटीन वीडियो शेयर कर रही हूँ, अगर पसंद आए तो आप बताइएगा तो फिर मैं और रूटीन वीडियोस शेयर करूँगी, अदरवाइज़ तो मैं जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस शेयर करती हूँ कलेक्शंस के, वही सफिशियंट है आई थिंक।
आइए फ्रेंड्स, तब तक एक काम और कर लेते हैं जो मैं मॉर्निंग में करना भूल गई थी। मुझे मेरी बर्ड्स को पानी देना बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये मेरी पली हुई बर्ड्स नहीं है, मैंने इनको पाला नहीं है, बट हाँ मैं यहाँ पर पानी रख देती हूँ कि अगर कोई बर्ड आएगी तो वो पी लेगी। ये मैं बर्ड्स के लिए यहाँ पे पानी रखती हूँ। मैं कहाँ रखती हूँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है हमारे घर का बैक एरिया, ये मैंने यहाँ पे पानी रखा हुआ है। तो यहाँ से मैं मेरी किचन में एंटर करती हूँ इस तरह से। मेरे किचन से अटैच्ड है ये एरिया, और प्लांट्स को भी पानी देना मैं भूल गई थी। तो जब तक चाय खोलती है तब तक मैं ये सब कर लेती हूँ। प्लांट्स को पानी देना काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, बट उसके लिए मैं शाम को ही पाइप लगा के करती हूँ। बट जो नए प्लांट्स हैं उनको तो मॉर्निंग और नाइट इवनिंग दोनों में देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए ये न्यू प्लांट्स लगे हैं। तो न्यू प्लांट्स में मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में देना ज़रूरी है, और बाकी ये सारे जो हमारे गार्डन में प्लांट्स हैं इनको तो मैं शाम को बहुत ही अच्छे से वाटर देती हूँ, वो वंस इन अ डे। साथ ही साथ मैं मशीन भी लगा लेती हूँ। बहुत सारे काम जब मैं चाय चढ़ाती हूँ ना तब मैं बहुत सारे काम निपटाने की कोशिश करती हूँ, मैं मशीन भी लगा लेती हूँ। जब सब लोग खा लेंगे, सबके कपड़े रेडी हो जाएंगे धोने के लिए, तो फिर मैं मशीन लगा दूँगी। ट्वाइस आ डे मशीन लगाती हूँ, एंड देन उसको फोल्ड करना, सुखा के और आयरन करना, ये सब तो काम हो ही जाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बॉयल आ गया है ई में। अब हम इसको छान लेंगे, स्ट्रेन कर लेंगे। रेड लेबल ही रहती हूँ मैं टी में, मेरे पास अंदर उसका फ्लेवर और अरोमा। तो फ्रेंड्स हमारी टी भी रेडी है फाइनली। सो ब्लैक टी इज रेडी। तो फ्रेंड्स मॉर्निंग में इस तरह से मुझे टी पीना और थोड़ा सा ओपन एरिया में बैठना एंड देन पूजा वगैरह को देखना, ये सब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वीडियो आज की थोड़ी सी लेंथी हो गई है, आई होप आप बोर नहीं हुए होंगे। बट सून मैं बहुत जल्दी आपको अपना हेयर स्पा का वीडियो भी शो करूँगी, जैसा कि हेयर वॉश किया है तो हेयर स्पा का वीडियो तो आप मुझे शूट करना ही करना है। एंड देन मैं आप लोगों को साथ ही साथ अपना ब्रेकफास्ट भी दिखाऊंगी। मैं बस जल्दी से चाय फिनिश करूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है कि मैं आप लोगों से इस तरह से बातें करूँ, इस तरह से वीडियोस बना के डालूँ। बट इन सब वीडियोस की ना टाइमिंग थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ ये सारे वीडियोज़ डालना। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगेगा तो मैं ज़रूर डालूँगी। ब्लैक टी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इससे एक्चुअली क्या होता है ना, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। और सबसे ज़्यादा इससे ये फ़ायदा है ना कि आप का जो भी रात भर से जो ठंडक लगी होती है थ्रोट में, जो भी होता है ना सवेरे उठो तो खराश भी होती है, वो सबसे काफ़ी बेटर फील होता है। तो मॉर्निंग में पूरा डे आपको कभी भी स्नीजिंग नहीं होती, कोल्ड नहीं होता, कुछ भी नहीं होता ऐसा। तो मैं मोबाइल
गूगल चेक कर लेती हूँ, अपना इंस्टा चेक कर लेती हूँ, एफ बी चेक कर लेती हूँ, आपके कमेंट्स चेक कर लेती हूँ और अपने घर पे कॉल कर लेती हूँ। मॉर्निंग में मैं जब तक चाय पी तब मैं बेसिक काम कर लेती हूँ। घर वाले काफ़ी दूर रहते हैं, उनको फिकर होती है, बेस्टी है अपने लॉज के घर, अपने पेरेंट्स के घर, सब जगह कॉल करके हाल चाल ले लेती हूँ, मॉर्निंग कर लेती हूँ उन लोगों के लिए, एंड देन मैं अपना ब्रेकफास्ट लेती हूँ। हमेशा अपने बालों को आप एयर ड्राई कीजिए, ब्लो ड्राई करना अवॉइड कीजिए, एयर ड्राई करना बहुत ही अच्छा होता है। बाल थोड़े से अनहेल्दी लग रहे हैं, इसलिए प्रोटीन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और प्रोटीन देने के लिए हम हेयर स्पा का ट्रीटमेंट करेंगे क्योंकि होम बेस्ड वही है, अदरवाइज आप बहुत कुछ ले सकते हैं। फ्रेंड्स अब मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी फटाफट से, आलू के पराठे कुछ इस तरह से। तो फ्रेंड्स हमारा ब्रेकफास्ट भी बन गया है, आई होप आपको हमारा वीडियो आज का पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन हिट कीजिएगा रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। और फर्स्ट टाइम मैं रूटीन ब्लॉग बना रही हूँ तो प्लीज़ बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, पराठा कर्ड एंड बटर, स्टफ्ड पराठा विद कर्ड एंड बटर हमारा बिल्कुल रेडी है, और जो कि हमने आलू और प्याज का मिक्स बनाया है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।